न्यू ब्लॉग। तो भी गाइस मस्त सुबह सुबह नहा धोके रेडी हो गए हैं, बिकॉज आज हम जा रहे हैं मुंबई मम्मी पापा को लेके फर्स्ट टाइम फ्लाइट में। मम्मी पापा ने आज तक कोई फ्लाइट देखी भी नहीं सामने से कि एरोप्लेन होता कैसा है, तो आज उनको उसमें बिठाएंगे। बस ऊपर से देखा है, ऊपर से उड़ते हुए, तो आज बिठाएंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे। एक्चुअली मुंबई में ना मेरे एक फ्रेंड है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी शादी है, तो गैस कर सकते हो किनकी शादी होगी। तो मैं सोचा चलो मम्मी पापा को भी ले चलते हैं, शादी में जाना ही है तो। हाँ, मम्मी पापा का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा एरोप्लेन में, और मुंबई भी घूम लेंगे, तो काफी सारे सरप्राइज है मम्मी पापा के लिए, और भी काफी लोगों से मिलेंगे वहाँ पे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मी पापा को ले आने के लिए एरोप्लेन में। मुंबई घुमाएंगे हम 4-5 दिन, आई थिंक वहीं पर रुकेंगे। टिकट्स एंड होटल्स तो मैंने 4 दिन पहले बुक कर दी थी, मम्मी पापा का भी कर दिया, साहिल और मेरा, हम 4 जने जा रहे हैं। तो पीयूष ने जाया, पीयूष का स्कूल है, कुनाली का स्कूल है, बाकी चाचा जी उनको देखने के लिए। तो हाँ, चाचा जी को नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे, अभी मम्मी पापा को ले आते हैं। और मैं सोच रहा हूँ अब कहीं भी जाऊँगा ना तो मम्मी पापा को ले जाऊँगा, बिकॉज इवेंट्स वगैरह में जाता रहता हूँ मैं, तो मम्मी पापा को ले जाऊँगा, मम्मी पापा का भी माइंड फ्रेश रहेगा। चलो हम रेडी हो गए मुंबई जाने के लिए, पीयूष रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। कोई बात नहीं, पीयूष को नेक्स्ट टाइम, जब अभी तो उसकी स्कूलिंग है ना, अभी तो उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, स्कूलिंग जरूरी है ना। तो गाइस मम्मी पापा तो रेडी हो गए हैं मस्त, तो फिलहाल चाय पीते हैं और चलते हैं। बोलो मुंबई चलेगा? गाइस हमारी मम्मी इतनी सिंपल है कि मम्मी को, मम्मी के फेस पे आपको लगेगा नहीं इतना एक्साइटमेंट, लेकिन मम्मी अंदर से एक्साइटेड है। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ? क्यों नहीं पता है? पता है कहाँ जा रहे हैं बताओ? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, मम्मी को लग रहा है दिल्ली जा रहे हैं। तो गाइस जाते जाते कुनाली मुझसे रूठ गया है। कुनाली क्यों रूठे हो? शाम को पापा जी को कहना वहां तक घूमने चलो, अपने लिए नहीं आना, धूप है। ले लो पैसे, ले लो, आपका रूठा हुआ अच्छा नहीं लगता फेस, बारी कर दो यहाँ भी। थैंक यू, लेट्स गो गाइस। सारा सामान डालते हैं गाड़ी में, गाड़ी अपनी रेडी है, कल धुलवा ली, देखो मस्त चमक रही है ना। तो गाइस कुनाली भी रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, चाची ख्याल रखना, चाचा ख्याल रखना, कुनाली बाय, कुनाली बाय। चलो गाइस निकलते हैं, 8 बज चुके भाई, हमको पहुंचना है वहाँ 2 बजे तक, एयरपोर्ट पहुंचना है हमको, क्योंकि 5 बजे की फ्लाइट है, तो 3 घंटा पहले पहुंच के मम्मी पापा को थोड़ा एयरपोर्ट भी घुमाएंगे ना। गाइस सुबह सुबह जंगल देखो कितना प्यारा लग रहा है फॉग के साथ। तो गाइस बात ऐसी, मम्मी की हालत खराब हो गई है, मम्मी को मोशन सिकनेस हो रहा है, सारा मूड खराब, मम्मी का भी, मेरा भी, पापा का भी, सबका। और आगे बिठा दिया मम्मी को, आगे क्या पता ना हो। तो मम्मी अपने हाथों से मुझे खिलाई खाना। मम्मी अभी तो देखो हम रोड पे चल रहे हैं ना, अभी हम उड़ रहे होंगे, अभी हमको ऊपर से दिखेगी रोड, देखना ऐसे लगे आसमान नीचे आ गया, हम ऊपर आ गए। तो मैंने चारों सीट एक साथ कराई, उसमें एक विंडो सीट भी है। पता है मम्मी कहती थी मेरे को, मैं कभी नहीं बैठूंगी, मम्मी को डर लगती थी। आज शाम को हम उड़ रहे होंगे, आप अभी सोता था मम्मी, डर तो नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे पता हमें नहीं बेटा, तो पता लगेगा वहीं जाके। झूला 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 आपने कभी झूला? हाँ झूले, कौन से बड़े वाले, वो जो ऐसे ऐसे जाते हैं तो वो वैसे झूले जैसा है। मैंने झूले भी नहीं झूले, नहीं वो झूले जैसा होता है। तो फाइनली गाइस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो सारा सामान इसमें रख लेते हैं। डर तो नहीं लग रहा ना? तो अभी डर तो नहीं लग रहा? नहीं, तो एहसान मामा को क्या डर। तो भी गाइस अंदर तो आ गए हैं, अब पहले बैग दे देते हैं, बैग जमा करा देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो भी जा रहे हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए, बैग देने के लिए, मम्मी पापा खड़े हैं वहाँ पे, तो हम दोनों ही आगे सिर्फ। तो बैग गए हमारे, अब मुंबई मिलेगा ये सामान, अब सीधा मुंबई मिलेगा हमको। अच्छा ऐसा होता है क्या? हां ऐसी होता है, इसको भी डाल देते हैं यार। नहीं इसको हाथ में ले जाओ ना, ये रहे बोर्डिंग पास, ये बोर्डिंग पास होते हैं, ये मेन चीज, अगर बैग दोगे तो ये मिलता है, ये मतलब टिकट है आपकी, टिकट समझ लो इसको। लो मम्मी, मम्मी ये आपका, लो। और वो कहाँ गया? आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड हमारे पास, ये लो ये आपका है, संभाल लियो ना। ले साल तेरा, ले साल तेरा भाई, इतना सारा सामान। अरे गाइस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैं अपना लैपटॉप लाना भूल गया भाई, एडिट कैसे करूंगा मैं अब? मैंने अभी देखा चेकिंग के टाइम पे, लैपटॉप ही नहीं है मेरा, सब कुछ रखा, मैंने लैपटॉप नहीं है, चार्जर भी रखा हुआ है लैपटॉप का, लेकिन लैपटॉप नहीं है। चलो छोड़ो भाई, देखी जाएगी, मम्मी पापा घुमाते हैं यहाँ पे। अभी आपको लग रहा होगा कि एयरपोर्ट नहीं है, मॉल लग रहा होगा ना? हाँ, मॉल की तरह। गाइस मेरे को तो मेरे लैपटॉप की टेंशन हो रही है यार, मैं ब्लॉग बना तो रहा हूँ, उसका एडिट कैसे करूँगा भाई, मैं मुंबई जा तो रहा हूँ, एडिट कैसे करूँगा, एडिट भी नहीं है। तो भी गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम लाइन में लग चुके हैं, तो अब चलते हैं अंदर, यहाँ से हम जाएंगे बस में। बस में कहाँ? बस में प्लेन तक, प्लेन तक मतलब बहुत दूर लगती है प्लेन? नहीं नहीं यहीं पे बगल में ही। मम्मी सोच रही है कौन सी बस में ले जा रहे हैं अभी, मम्मी पापा बैठ गए, हम दोनों भाई तो खड़े हैं बस। फाइनली पापा मम्मी जाने वाले हैं, अब आज एक्साइटेड एक्साइटेड मिलेंगे इसके अंदर, हल्द्वानी में ही होना। हाँ हल्द्वानी में चले फिर, अब चले अपने टिकट दिखा देना। फाइनली जाने वाले मम्मी पापा, आगे साहिल। गाइस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ। ओह फाइनली टच कर दिया, फाइनली मम्मी आप भी टच कर दो, फाइनली मम्मी ने भी टच कर। मेट्रो किधर है?
नहीं मेट्रो की तरह नहीं है यार। अभी विंडो विंडो में कौन बैठेगा? विंडो विंडो बंद है। नहीं खुल जाएगी वो तो। चलो एक जना चले जाओ विंडो में, आप दोनों उधर चले जाओ, बीच में आता हूँ, बीच में आता हूँ। चलो मम्मी मम्मी चले आते हो, आप चले जाना। ओके कोई बात नहीं। फाइनली पापा जी इधर बैठ जाओ। मुजीब सर से ऐसे लग रहा है कि इतने लोग कैसे आएंगे अंदर, तो इतनी जगह है। अंदर बहुत जगह है। हाँ खोलो, ऊपर करो, कर दो ऊपर कर दो, खुल गया। इधर बताना ये ना जिसमें से हम चढ़ के आए थे, ये इसी का है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग से है ना, अलग से लग रहा है। आप कैसे लग रहा? बहुत मस्त लग रहा है यार। आते हुए आप बैठ जाना। हाँ। और साहिल यहाँ बैठा सामने हमारे, मम्मी की अलग ही फोटोग्राफी चलती है यहाँ पे। सुनो सुनो, मुंबई पे आपका स्वागत है। रास्ते में टर्बुलेंस की आशंका है, जब भी कुर्सी की पीटी का टर्बुलेंस हो सकता है, कुर्सी की पीटी ऐसे ऐसे हिल सकता है। हमारे केबिन क्रू द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। टर्बुलेंस मतलब मतलब मौसम बिगड़ता है ना, तब तब ऐसे ऐसे हिलता है मौसम बिगड़ता है तो। टर्बुलेंस हो सकता है कह रहा हूँ, डरो मत, अरे कुछ नहीं होता होता है ऐसे, रोज तो जाते हैं, रोज तो जाते हैं। टर्बुलेंस तो मतलब हल्का हल्का हिलता है, टर्बुलेंस हिलता है ऐसे 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 हिलता है ऐसे ऐसे। जो तब तो मैं तेरे को कहती नहीं थी इसमें नहीं बैठना चाहिए। अरे नहीं बैठना चाहिए तेरे को, पहले नहीं कहती थी मैं इसमें, पानी का नाव हो गई इसमें भी नहीं बैठना चाहिए। ये चीज है ना खतरे वाली चीज है, खतरे वाली चीज है। और क्या, मैंने कही पूरा बंद है इसमें, हवा हो कहाँ से आती है? हवा है इसमें कहाँ है, बंद है पूरी, बंद है। पापा जी चिल हैं, पापा जी चिल हैं ना, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी को डर लग रहा है, डर लग रहा है। पहली बार बैठे यार बेटा, थोड़ा वो तो होगा। मजा आ रहा है मम्मी का रिएक्शन देखने में। हवा से चलता है, हवा से चलता है, हवा फ्यूल से चलता है, फ्यूल से, फ्यूल से। तो फाइनली हमारे बच्चों ने हमें आज फ्लाइट में बिठा ही दिया। चल गया चल गया, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। मम्मी थोड़ी देर पहले हम रोड पे थे, हम हवा में आ गया। नीचे देखो व्यू देखो, तो अभी खाने पीने के लिए आ गया। कुछ खाने, ये है पनीर बटर मसाला। फाइनली पहुंचने वाले मुंबई, तब झटका लगेगा। फाइनली रीच्ड मुंबई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, भाई मजा आ गया। सो रखे थे आप तो? या, इसको बोलते हैं एयरबस, ये जो था ना इसको एयरबस बोलते हैं। अच्छा गाइस देखो मम्मी यहाँ से आ रही है, मम्मी को इससे ही डर लग रहा है, इससे डर, इससे कौन डरता है। अरे चलो आप चलो, आग दोबारा आ गया। अरे चलो ना, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं करना, बस पैर रखना है, बस पैर रखना है। चलो चलो, मम्मी ने मेरे हाथ पकड़ लिया। पापा जी सही कॉन्फिडेंट है, चिल है, मस्त। हाँ मैं जल्दी सीख जाता हूँ, इंसान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। ये क्या बात हुई इंसान। तो अब चलते हैं अपने बैग लेने के लिए, हमारे तीन बैग थे यहाँ पे ना, बेल्ट होती है।